जो आपकी ब्रेन है ना, उसको फर्क नहीं पता है रियलिटी में और इमेजिनेशन में। इसका प्रूफ क्या है, सपने आते हैं आप लोगों को रात को जब सोते हो तो। कितने हैं जिनको सपने आते हैं? कोई ऐसा भी है जिसको आज तक कोई सपना नहीं आया? एनी जिंदा लाश ऑफ दिस काइंड? तो है वो सपना, यानी एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा है वहां पर, कि यानी आप उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते, मतलब एक्चुअल में नहीं उड़ रहे थे, सपने में उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते एकदम से किसी से टक्कर हुई और पानी में गिर गए, वहां पर कोई मगरमच्छ आया आकर के आपको खा रहा है। तो उसकी वजह से जो बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, क्या वो उससे अलग होते हैं जब एक्चुअल में वो हो रहा होगा, या बिल्कुल वैसे ही होते हैं? इसको ध्यान से समझ लेना कि अगर एक्चुअल में भी आप किसी नदी में गिर जाओगे और कोई मगरमच्छ आपको खाने के लिए आएगा, तब भी वैसे ही रिएक्शंस हो रहे होंगे, तब भी डर लग रहा होगा, तब भी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, तब भी पसीने आ जाएंगे। सपने में कई बार ऐसा होता है, सपने में से एकदम से उठते हैं और देखते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि हमारी जो ब्रेन है वो रियलिटी में और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर सकती है। तो अगर कुछ ऐसा है जो रियलिटी नहीं है और आपने मान लिया है और उसके बारे में सोच रहे हो, तो क्या होगा? ब्रेन अपना काम करती रहेगी। तो अब आपको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो बड़ा सिंपल है, परमानेंट सॉल्यूशन। जो भी आप बोल रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाओ कि क्या ये सच है, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है, या मुझे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जो लग रहा है वो सपना है, और जो एक्चुअल में है वो सच है। जैसे सपने में अगर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, तो उस गड़बड़ से बचने का क्या तरीका है? जाग जाओ। जागने का मतलब क्या? जागना हम किसे कहते हैं? हाँ, मतलब ये समझ लो कि जो भी अंदर था, मैं रो रहा था, रो रही थी, पसीने आ रहे थे, सब सपना था, एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा, एकदम से रिलैक्स नहीं हो जाते हैं? बस इतनी सी देर लगती है माइंड को रिलैक्स करने में, माइंड को पीसफुल करने में। और ये काम आपके लिए कोई और नहीं कर सकता है, खुद करना होगा। अपने आप से पूछो कि क्या ये मुझे लग रहा है या सच में ये हो रहा है, क्या सच में मैं बर्बाद हो गया हूं या मुझे लग रहा है। अब इसके बीच के फर्क को कैसे आप पता करोगे? देखो, जो भी सिचुएशन ऐसी है जो अगर 10 अलग अलग लोगों के साथ होती है और सबके सेम रिएक्शन होते हैं, तो वो रियलिटी है, वो आपको लग नहीं रहा है, वो एक्चुअल में हो रहा है। बट अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पर आप कह रहे हो कि मैं बर्बाद हो गया, लेकिन 10 अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं वहां पर सेम उसी सिचुएशन में, तो समझ जाओ वो आपका वहम है, अपने वहम की वजह से आप परेशान हो रहे हो। ये बात आई समझ में? जैसे आग लगी हुई है कहीं पर और आग में जाकर के 10 लोग छलांग मारेंगे, तो 10 के 10 चीखेंगे या नहीं चीखेंगे? 10 के 10 की बॉडी जलेगी या नहीं जलेगी? हर एक के ऊपर सेम असर होगा। दैट मींस कि वो रियलिटी है, और अगर अलग अलग रिएक्शन हो रहा है तो इल्यूजन्स है। तो अब इल्यूजन से बाहर आने का क्या तरीका है? मैं आकर के आपको बोलूं कि नहीं, ये इल्यूजन्स है, क्या बर्बाद नहीं हुए हो, आप क्या कहोगे? आपको पता नहीं है मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मजाक मत उड़ाओ मेरी सिचुएशन का। तो आप क्या कर रहे हो? अपनी इल्यूजन्स को और पक्का कर रहे हो। जितना पक्का कर रहे हो आप, उतना और फंस रहे हो। करना क्या है? अपने अंदर ही अंदर बोल, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया। दूसरे बहुत सारे लोग हैं जिनको किसी ने छोड़ा और वो तो आबाद हो गए, बर्बाद नहीं हुए। उसी लड़की ने औरों को भी छोड़ा, कह रहे अच्छा बच गया, ये बंदा ऐवें सेंटी हुआ पड़ा है, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया का मतलब क्या? क्या मेरे दोनों हाथ पैर कट गए हैं? फिर अगर आप बोलो कि मैं बर्बाद हो गया, मेक सेंस, क्योंकि अब आप पूरी लाइफ के लिए किसी और पे डिपेंड हो गए, खुद खा तक नहीं सकते हो, वो भी आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है सब लग जाते हैं हाथ पैर भी। तो करना क्या है? अपने ही बिलीव्स पे क्वेश्चन मार्क लगाते चले जाना। मोमेंट यू डू दैट, तो आपको एकदम से अंदर से रियलाइज होता है। अब ये अंदर से रियलाइजेशन कब होगा? जब आपका दिमाग खुला हुआ है। दिमाग बंद है तो कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी भूत की वजह से आप डर रहे हो, कोई ताबीज पहना हुआ है, कहीं पर घर के अंदर कोई हवन हो रहा है, वहां पर कई तरह के मंत्र पढ़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको यह लग रहा है और आपकी फैमिली को यह लग रहा है कि किसी ने कुछ कर दिया है। अब अगर इस बात को आप सच मानते हो, तो आप कुछ भी कर लो, बचने का कोई तरीका नहीं है।
अभी एक एक्सपेरिमेंट करें यहाँ पे प्रैक्टिकली. मैं बताता हूँ कैसे. आप में से कितने हैं जो ये भूत प्रेत इन सब चीज़ों को मानते हैं? झूठ मत बोलना, हाथ ऊपर कर दो. ठीक है, मानते हो? हाँ हाँ, धीरे धीरे वो हाथ ऊपर आ रहे हैं, डरो मत. ठीक है, तो 15-20 लोग ऐसे हैं जो मानते हैं. कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं मानते हैं? कितने ऐसे जो बीच में अटके हुए हैं? ऐसे भी होते हैं. हाँ, यही ना सच्चाई. हाँ, हो भी सकते हैं. नहीं, बचपन में ना हमने वो किया था, वो गेम खेला था, एनी होली स्पिरिट पासिंग बाय प्लीज कम, और वो आ गई थी. उससे हम जो जो पूछ रहे थे वो बता रही थी. इसका मतलब आत्मा है. अब जिसने कहा कि भूत नहीं होते हैं और दे स्ट्रांगली बिलीव, एज स्ट्रांगली एज के बिल्कुल 100%, नॉट 90%, नॉट 99%, 100% नहीं होता. टोना टूट गई हो, कर दे जो तेरे अंदर दम है, आकर मैं यही खड़ा हूं. ऐसे ऐसे बंदा हो कोई? ऐसे बहुत कम होंगे वैसे. ऐसे कितने हैं? हाथ ऊपर करो. हाँ, अब देखो क्या होगा. अब मानो एक खोपड़ी यहां पर हो मेरे हाथ में, और उसके अंदर से मैं ऐसे हाथ डालू और उसमें से खून निकल करके आए, और कुछ मंत्र पढ़ू और ले करके आपके मुंह पे फेंक दू. अब तू नहीं बचेगा बेटा. तो जो 100% वाले थे, और अगर एक्चुअल में 100% वाले थे, वो हंसेंगे. कुछ और है तेरे पास? ये तेरे को फेंकना ही था तो खून फेंकता नहीं, सॉस क्यों फेंकता? भाई समोसे तो देते साथ में. वो तो बंदा मजे ले रहा होगा यहां पर. और दूसरी तरफ से खोपड़ी में से खून निकालूं और ले करके ऐसे किसी बंदे पे फेंक दूं जिसको डाउट है, या तो, या फिर जो मानता है कि है, और उसको ले करके उसको ले बेटा हो गया तेरा काम. क्या होगा? मैं बताऊं क्या होगा? 2-4 ऐसे 100% होंगे जिनका सर हिलने लग जाएगा. और अब बाकी के बंदे जो डाउट में थे उनकी और हवा टाइट हो जाएगी. अबे आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया. और जिसने चमत्कार देखा, बाकी लोगों सबकी हवा टाइट, समझे, उनकी सबकी वॉट लग जाएगी. अब मैं उनसे जो चाहे वो करवा सकता हूं. उनके अंदर ऐसा डर आएगा, नहीं नहीं मुझ पे नहीं, कुर्सी के नीचे घुस जाओगे आप लोग, मेरे ऊपर छींटा नहीं आना चाहिए कि मेरे साथ भी ये ना हो जाए. शनिवार का दिन है. आ रही है बात समझ में? तो हमारी जो ब्रेन है वो रियलिटी में और इल्यूजन में फर्क नहीं कर सकती. इसको अगर फर्क करना है, ब्रेन नहीं कर सकती, तो कौन करेगा? हमें ही करना होगा जी. छोटी छोटी चीजों की वजह से, चिंदी चीजों की वजह से परेशान होते हो, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो ना. ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा. अबे क्या हो जाएगा? सोचा है? छोटी छोटी चीजें, ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, ये हो गया वो हो गया, मेरे से गलती हो गई. क्या गलती हो गई? सोच रहे हो इस दुनिया में लोगों से क्या क्या गलती किस किस लेवल की हो रही है? कहाँ है आपके वो गलती का लेवल? क्या है ऑन अ स्केल ऑफ 0 to आप ले 1 crore तक, आपका स्केल कहाँ है गलती का? अपनी गलत फहमियों की वजह से हम परेशान हो रहे हैं. इफ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन, तो आपका माइंड क्लियर हो जाता है. इल्यूजन क्या है? ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल थे, मतलब उनके पास 1000 crore रुपए थे, उसमें से क्या हुआ, बैंकक्रप्ट हो गए. बैंकक्रप्ट होने के बाद भी उनके अकाउंट में 10-20 crore रुपए पड़े हुए थे, और क्या किया उन्होंने, सुसाइड कर लिया. मैं बर्बाद हो गया. सोचो आपके अकाउंट में 10 crore पड़े हो, बर्बाद हो गए. तो ये क्या रियलिटी थी या इल्यूजन था? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया. अबे अगर जिसके अकाउंट में 10 crore रुपए है वो लुट गया, तो जिसके अकाउंट में कुछ नहीं है उसका क्या? लेकिन वो नहीं मरते. वो क्या करते हैं, इधर उधर से पैसा उठाते हैं और चैन से सोते हैं. जिससे लेते हैं उसकी नींद उड़ती है. देखा ऐसे ऐसे लोगों को? मुझे ऐसी नजर से मत देखो. किसी ने छोड़ दिया तो हम रो रहे हैं उसकी वजह से, उसने मुझे छोड़ दिया. आप क्यों रो रहे हो? क्या आपको उससे बेटर कोई नहीं मिल सकती है? हाँ, मुझे उससे बेटर कोई नहीं मिल सकती है. आप इतने गए गुजरे हो, मतलब अगर इतने गए गुजरे हो तो उस लड़की की जगह मैं होता तो मैं भी आपको छोड़ देता. देयर इज नो रीजन टू बी सैड इन दिस वर्ल्ड.
जैसे जैसे आप ये जो सच है, रियलिटी है, उसकी लेयर्स को अनफोल्ड करते हो, इतना मजा आता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। लोग जिन चिंदी चीजों की वजह से रोते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो सब आपके लिए खेल के जैसा होता है। आप अपने अंदर ही अंदर इमेजिनरी प्रॉब्लम्स की वजह से दुखी हो रहे थे, जैसे ही रियलाइजेशन बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो वहां पर आदमी को हंसी आती है, औरत को भी। कहीं औरतें मोर्चा निकाल दें बाहर, विमेन एम्पावरमेंट, ये आप क्या आदमी आदमी बोलते रहते हो, औरतों का नहीं। हाँ, सारा खेल यही है कि हमारे अंदर हर वक्त कई तरह के अटैक्स चलते रहते हैं, उससे कैसे बचोगे? आप चाहे पहाड़ पे चले जाओ, चाहे मूवी देख लो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ देर के लिए आप उसको भूल सकते हो, ठीक है ना? दारू पी ली, कुछ देर के लिए भूल गए, फिर याद आ जाएगा। जैसे ही होश में आओगे फिर से याद आ जाएगा, सारी बातें दिमाग में घूमने लग जाएंगी। तो खुद से कैसे बचे, समझ रहे हो? यहां पे जो लिखा हुआ है ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसका मोटिव यही है कि मेरे सारे सेशंस का एसेंस क्या है। ये नहीं है कि बाहर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर जो हमारे गड़बड़ हो रही है उसको कैसे हैंडल करना है, अंदर जो अटैक्स होते रहते हैं थॉट के लेवल पे हमारे ऊपर, उसको कैसे फेस करें। क्योंकि अगर आप उसको फेस कर गए तो बाहर आपके लिए फेस करना क्या बड़ी बात है, समझ गए ना? और एक्चुअल में बाहर कोई अटैक होता नहीं है, होता अंदर ही है। बाहर अगर कोई आपको कुछ बोल भी रहा है तो अल्टीमेटली चॉइस आपके हाथ में है कि उसका असर आपके ऊपर हो या ना हो, अगर इस बात को हम समझ पाए तो। आप चाहो तो अपने मन में बोल दो, अरे ये तो है ही ऐसा, समझ गए, असर होना बंद। आपको नहीं, इसने ऐसा क्यों बोला, तो असर ज्यादा होगा। जैसे कोई अगर कोई आपको पता है कि कोई पागल है, वो आकर के आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा, तो क्या उसके उसके बारे में आप बैठ करके सोचोगे 10 दिन तक कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला? तो किसी का बेसिक नेचर है उल्टे सीधे काम करना, या उल्टा सीधा आपको बोलना, या आपको तंग करना। तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, उसका बेसिक नेचर है, कोई बात नहीं, तो जैसे ही आप अंदर से बोल देते ना कोई बात नहीं, ये क्या फर्क पड़ता है, उसका जो नेचर है उसका है, मेरा जो नेचर है मेरा है, तो उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाता है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, बट ये एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है। जो आंसर है वो ये, डू यू पीपल वॉन्ट कि इस क्वेश्चन को मैं टच करूँ डीपली, कि हमसे कोई गलती हो गई, अब वो गलतियाँ क्या हो सकती है? गलतियां हो सकती है रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये तो बहुत ज्यादा हो रही है आजकल गलतियां। फेसबुक से गलतियों की शुरुआत होती है, फिर पता नहीं गलतियां कहाँ की कहाँ पहुंच जाती हैं, है ना? अब वो रिलेशनशिप खत्म हो गई, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो तो आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है, ऐसे ही होता है ना, कि मैंने ये कैसे कर दिया, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, ऐसी ऐसी चीजें आती हैं माइंड में कि मैं तो समझ नहीं पाती हूँ चीज़ों को। नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि समझ एक दिन में डेवलप नहीं होती है, धीरे धीरे होती है, कोई माँ के पेट से समझदार नहीं निकलता है, राइट? जब ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे और उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखोगे तभी तो आपको समझदार कहेंगे। जिसकी लाइफ में जितनी ज़्यादा गड़बड़ हुई होगी और अगर उसने उससे सीख लिया है तो वो उतना ही समझदार है। विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फेलियर्स एंड सेटबैक्स एंड योर पावर ऑफ ओवरकमिंग इट। इसको ध्यान से समझ लो। तो जो भी गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, उसको पहले तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है गड़बड़ हुई है, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। तो हो सकता है आपको जवाब मिले कि कहीं मैंने कमिट करने में जल्दीबाजी तो नहीं कर दी थी इस रिलेशनशिप में, मे बी कि 4 दिन की रिलेशनशिप थी और मैंने फटाफट से डिसीजन ले लिया। तो इससे आपने क्या सीखा कि अब जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, स्पेशली बड़े डिसीजंस तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। कौन सा कपड़ा खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, ये तो आप जल्दी में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-20 रुपए महंगा भी खरीद लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम क्या है, वहां पर पूरा टाइम लगाते हैं, 10 दुकानों में जाएंगे, ट्राई करेंगे, 100 रुपए के पीछे पता नहीं कितनी किचकिच करेंगे, 100 रुपए में ज्यादा बोल रहा हूँ, 20-20 रुपए के पीछे कितनी किचकिच करेंगे। और लाइफ के जो बड़े डिसीजन है वो कैसे लेते हैं हम? बहुत सारे लोग तो लेते नहीं है, उनके लिए वो डिसीजन कोई और ले लेते हैं, करियर का डिसीजन, रिलेशनशिप्स का डिसीजन, ये वो लेते हैं तो जल्दी में ले लेते हैं, होता है ना? स्पेशली हमारे इंडिया में बड़ा चलता है जिसको अरेंज मैरिज बोलते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिज, इट इज अ वेरी वेरी वेरी
क्या कहूँ मेरी नो कमेंट्स. तो जो भी है अरेंज मैरिज में क्या गड़बड़ मुझे लगती है, मुझे जो जेन्युइनली बता रहा हूँ जो मुझे गड़बड़ लगती है वो क्या है कि लड़का लड़की मिले और दोनों तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया. अरे बहुत बढ़िया है, अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तू हाँ कर दे. और उसने हाँ कर दी, ठीक है बढ़िया है, मतलब कि घर वाले जो हैं उनको बढ़िया लग रहा है या लग रही है. आप तो थोड़ा तो टाइम लगाओ. एक घर खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं. यहाँ कुछ खरीद नहीं रहे हो माना, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसीजन है अपनी लाइफ का, इनफैक्ट सबसे बड़ा डिसीजन है. गाड़ी गलत ले ली तो उसका सोल्यूशन है, कबाड़ी को दे सकते हो. ये पति को किसको कबाड़ी में दोगे. जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो इसको पकड़ के रखो, दिस इज कॉल्ड विजडम. ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, शायद अगर आज से आप 20 साल पहले मेरे से ये सब बातें करते तो मैं नहीं बोल सकता था ये सब. मैं क्या कहता, अरे करो करो करो, और पीने का मन करा लगा दो बियर, लगा ये करो, बाइक ना लिटा के मोड़ेंगे. मैंने सारे काम करे हैं, ऐसा नहीं करे हैं, लिटाए भी और कई बार खुद भी लेट गया. और पीछे वाला कहता यार मैंने क्या गलती की थी, तो मुझे ऐसे ही ठोकता रहता है. आप समझ रहे हो, तो ये सब काम मैंने करे हैं, तो वो करके मैं अब आपको बोल रहा हूँ. मैं ये नहीं कह रहा मत करो, मैं कह रहा हूँ समझ लो कि करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, और कर भी दिया तो उसे सीख लो, ग्रो आउट ऑफ इट. मैं ये नहीं कह रहा गलतियां मत करो, अरे मैंने खुद बहुत गलतियां करी है तो मैं आपको कैसे बोलूंगी गलतियां मत करो. गलतियां करो बट लर्न फ्रॉम इट, सही काम करो लेकिन उसमें चिपके मत रहो कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ दिया. समझ गए, मैंने ये सही काम कर लिया, मेरी फैमिली में और जो लोग हैं वो नहीं कर पाए, व्हाटएवर, आपने टॉप कर दिया कहीं पर. तो अपनी ईगो को मत बढ़ाओ, ग्रो आउट ऑफ इट. ठीक है, क्या फर्क पड़ता है. मिल रहा है आपको जवाब, मिल रहा है. एक बार मैं इसको थोड़ा और डीपली टच करता हूं, तो जब भी हमारे अंदर से ये आता है कि हम पुरानी सिचुएशंस के बारे में सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं, तो उससे सीखो, गो इनटू द रूट कॉज ऑफ इट, ताकि वो जो गलती आपने करी वो दोबारा मत करो. दैट इज इंपॉर्टेंट. पहली बार, अब देखो कितनी मजेदार चीज निकल के आ रही है बात करते करते. पहली बार अगर आपने लाइफ में कोई भी गलती करी है तो वो गलती नहीं है, समझ गए, अनजाने में करी है तो वो गलती नहीं है, लेकिन उसी गलती को आप बार बार कर रहे हो, ये गलती है. मुझे एक चीज की नॉलेज ही नहीं है और मैंने सही सोच करके किया लेकिन मेरे साथ में गलत हो गया, ये गलती नहीं है. कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, सक्सेस फेलियर की तो रहेगी ना. तो आप फेल हो गए, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस फेलियर से कुछ सीख नहीं रहे हो और दुखी हो रहे हो, ये गलती है, ये ब्लंडर है. अपनी गलतियों के बारे में सोच सोच करके आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये गलती है. कोई भी गलती आपकी लाइफ की इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपके ऊपर हावी हो सके. हमेशा अपने अंदर इस बात को याद रखना है, मेरी लाइफ की जितनी भी बड़ी से बड़ी गलतियां हैं मैं उससे बड़ा हूं. अपने आप को यह बोलो, आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आपकी गलती को एब्जॉर्ब कर जाए. अगर आप यूनिवर्स के एंगल से देखोगे तो आपकी गलती बहुत छोटी लगेगी जिसको आप बड़ी समझ रहे हो. कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है जिसको माफ ना किया जा सके, चाहे फिर वो आपने करी चाहे किसी और ने करी. तो गलतियों से सीखो, सीख करके क्या होगा, आप धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाओगे, अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे. ये दोनों चीजें तभी होंगी जब आप सीखोगे. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गलत रिलेशनशिप में एंटर करके ये सीखा कि मुझे पेशेंस रखना है लाइफ में, तो क्या ये छोटी क्वालिटी है? डू यू थिंक पेशेंस इज स्मॉल? मतलब पेशेंस इज सो बिग यार. पेशेंस से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, सही डिसीजंस ले सकते हो, सही चॉइसेस ले सकते हो. अगर आप में पेशेंस है तो आराम से सोच समझ करके डिसीजन लेना है, ठीक है ना.